छोटे से शहर का एक छोटा सा मोहल्ला है। यहाँ दो पड़ोसी रहते हैं, एक नवीन बाबू और दूसरे गुजरन। अमीर गरीब होते हुए भी इनके मकानों की छतें मिली हुई हैं। अनाथ होने के बाद ललिता अपने मामा गुरुचरण के यहाँ चली आई और नवीन बाबू के छोटे बेटे शेखर से पढ़ने लगी। शेखर की माँ भी उसे बेटी की तरह प्यार करने लगी। इसी तरह पढ़ते, झगड़ते, हंसते, खेलते वक्त गुजरने लगा। गुरुचरण। अरे नमस्ते नवीन भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे घर के सामने से हमसे बिना मिले ही चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कैसे हो, सुख शांति है ना? भाई जो कर से दबा हो उसे सुख शांति कहाँ। तो ऐसा करो मेरे पैसे चुका दो। भाई महीने 15 दिन में सूद तो चुका ही दूंगा। अरे सूद की कौन बात कर रहा है गुरुचरण भैया, मुझे तो असल की जरूरत है, असल की। देखो गुरुचरण, बात यह है कि हमारे तुम्हारे बरसों के पुराने ताल्लुकात हैं। मैं नहीं चाहता कि पैसे की वजह से उन ताल्लुकात में कोई फर्क आए। ऐसा करो कुछ रूम चुका देना। हा? अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। मजबूरियों ने जिंदगी भर सर उठा के जीने नहीं दिया। मामा, तुझे कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? वाह मामा, रोज इसी वक्त तो आते हो दफ्तर से, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? कितनी अच्छी है तू, बिल्कुल मेरी बहन जैसी। तेरी माँ जब इतनी सी थी ना, बिल्कुल तेरे जैसी थी। अच्छा मामा, तुम आते वक्त किससे बातें कर रहे थे? जो बात किसी से नहीं की जाती वो अपने आप से की जाती है बेटा। वही नवीन बाबू के कर्जे का तकाजा, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, सूद भी नहीं दे पाया, इतनी बड़ी रकम कैसे चुका पाऊंगा? सब ठीक हो जाएगा मामा। पिताजी, पिताजी मेरी किताब लाए। ओ, तो बेटा आज दफ्तर के काम में भूल गया, कल जरूर लेके आ जाएगा। कल 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 दफ्तर से कागज लाना तो भूलते नहीं, मेरी किताब लाना भूल जाते।
टीचर कहती है जो किताब ना लाए वो स्कूल ना आए। मैं भी कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। ओफो मामा आके बैठे नहीं तो तू पीछे पड़ गई। अरे मामी चल चल आ जाएंगे। आप कर गए जब देखो मामा को तंग करती रहती। तुझे किताबें ही चाहिए ना। अरे ललिता की कर तो ओफो इस घर में वक्त पर कोई चीज मिलती ही नहीं है। क्यों क्या हुआ मामी? दूध की बोतल कहाँ रखी है? यहीं पे रखी थी। मैं देखती हूँ। ये सुमन को तो कोई चीज मिलेगी ही नहीं। काम की नकाश की दुश्मन अनाज की। सारा दिन बस ताश ताश ताश। ओहो मामी मामा आ गए। देख तो बेटी उन्हें चाय दे आ। वो तो मैं दे आई। देखा कितना ध्यान रखती है अपने मामा का। और एक तू है कि बस ये ले दूध पिलाई। ओहो अरे तू तो उदास हो गई। मुझे तो सभी डांटते रहते हैं। तो क्या हुआ मानी को डांटा है ना? सो गई क्या? आँख तो रात में भी नहीं लगती। दिन में क्या सो पाऊंगा? क्यों ही कुछ वो कर्ज चुकाने का क्या हुआ? अरे गरीब को पैसे देता ही कौन है? जाने क्या होगा। उधर कर्ज चुकाना है इधर लड़कियां बेल की तरह बढ़ती ही जा रही है। मैं कहती हूँ सुमन के लिए तो हम दो बरस ठहर भी सकते हैं पर ललिता के लिए तो हमें सोचना ही पड़ेगा। लोग कहेंगे माँ बाप थे नहीं और मामा मामी ने परवाही नहीं की। अरे जो भी मिलता उससे यही बात करता हूँ। लेकिन गरीब का रिश्तेदार बनना भी कौन चाहता है? लेकिन लेकिन क्या ऊपर वाला तो है। और फिर लड़कियां भी कभी माँ बाप के यहाँ कुंवारी रही हैं वो भी ललिता जैसे सुशील स्वभाव की। अरे ललिता तेरी मामी कैसी है? ठीक है। और छोटी बेबी? वो भी ठीक है लेकिन रोती बहुत है। लाइए माँ जी मैं इसे अंदर रख दे। ये तू रहने दे। ये तू ले जा शेखर के कमरे में रख दे। आज फुर्सत मिली है तो दिन कहाँ थे? आज मैं पढ़ने नहीं आई। तो फिर कुछ पैसे लेने आई। चाबियां तो तुम्हारे पास ही रहती हैं ले लियो तो। ले तो जाती हूँ लेकिन सोचती हूँ चुकाऊंगी कैसे। चुकाऊंगी कैसे ये सोचना पड़ता है तो फिर लेती क्यों? इसे अपना घर समझती हो ना? तो फिर कान पकड़ो। मेरे नहीं अपने कान पकड़ो। मेरे कान पकड़ रही है। फिर से झगड़ा शुरू कर दिया तुम लोगों ने। देखो ना माँ जी आते ही डांटना शुरू कर दिया। तो क्या पढ़ती वर्ती तो है नहीं? दो दिन नहीं पढ़ा तो क्या हुआ मुझे कौन सा वकील बनना है? बिल्कुल गंवार की गंवार रह जाओगी। लिखना पढ़ना तो आना चाहिए। तुम्हारा क्या जिम्मेदारी तो मेरी है। नाम मेरा खराब होगा लोग कहेंगे पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता। वो तो है ही। देखा कैसे कहती है। अभी तक बच्चे हो क्या? पता नहीं इसका बचपना कब जाएगा। इसकी बात छोड़ तू अपनी बात कर। तू भी तो वकील बनने जा रहा है। छोटे बाबू आपको मालिक नीचे बुला रहा है। क्यों अविनाश जी तुम्हारा क्या ख्याल है? पिताजी आप तो कई बार तकाजा कर चुके हैं। अरे भाई असर तो दूर रहा सूद तक नहीं देना चाहता। हाँ। वो तो मैं था जो पड़ोसी होने के नाते ढील छोड़ता गया। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी आपकी जगह दूसरा कोई होता तो अभी का मकान नीलाम करवा दिया होता। हाँ, इसमें क्या शक है। हाँ। आपने मुझे बुलाया पिताजी। आओ आओ शेखर आओ भाई तुम्हारे लिए मकान बनवा रहा हूँ। जैसी जरूरत हो बता दो उसी लिहाज से नक्शा भी बनवाना पड़ेगा। नक्शा कैसा मकान? वही गुरुचरण चाचा वाला मकान तुड़वा कर तुम्हारे लिए नया मकान बनाना चाहते हैं पिताजी। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों भाई साथ साथ रहो। किसी का घर उजाड़ कर मैं अपना घर नहीं बसाना चाहता। देखा अविनाश जी ये तेरा छोटा भाई अपना घर उजाड़ कर दूसरों का घर बसाएगा। सुनो हाजी तुम जाकर नक्शा बनवाओ। जी पिताजी। मालिक है ये मुनीम देखा इसे कहते हैं बेटा जो पिता के दोनों तरफ जी लगाता है। मालिक आपके तो दोनों बेटे राम और लक्ष्मण बराबर हैं। मत कुछ गड़बड़ हो गई। उस्ताद जी रात के प्रोग्राम के लिए कुछ सोचा आपने? हाँ नीचे। उस्ताद जी रात के प्रोग्राम के लिए कुछ सोचा आपने वरना रोज होने वाली बात हो जाएगी। जूते पड़ेंगे झटकन। एक बात बोलता हूँ मगर झटका मत खाना। जी नहीं। देखो जूते तो हमें पड़ने ही चाहिए। हाँ। जिस किसी ने भी दुनिया में नई चीज ईजाद की उसे जूते पड़े।
पड़े। जिस साइंसदान ने पहली दफा कहा कि जमीन गोल है जी, लोगों ने उसे जम के जूते मारे मारे, मगर बाद में क्या हुआ, जमीन गोल निकली निकली। इसी तरह से जब हमने ये पुराने घिसे पिटे 7 सुर निकाल के फेंक के जी 8वां सुर पेश किया जी, तो लोग जूते नहीं मारेंगे तो क्या मारेंगे? जूते ही मारेंगे। लेकिन उस्ताद जी, आपने क्या 8वां सुर निकाला, जमीन की तरह आपने म्यूजिक को भी गोल कर दिया। खुदा की देन है। सही बात है। इधर आओ ना। तो आप उधर कहां जा रहे हैं? इधर जा रहा हूं। झटकन जी, मुझे तो जूते खाने की प्रैक्टिस हो गई। जी हाँ। अगर तुझे संगीत विद्या में तरक्की करनी है हाँ, तो तू भी जूते खाने की प्रैक्टिस कर ले। कर लूंगा। अरे और नहीं हाँ, तो जूतों की दुकान ही खोल लेंगे। उस्ताद जी हाँ, जूतों की दुकान पहले क्यों ना खोल ले? झटकन हाँ, जूते इकट्ठे तो हो हाँ, आज रात को जब मैं ये 8वां सुर लगा। गाड़ी कहाँ से आ गई? ये 8वें सुर की गाड़ी है, इसी की वजह से तो जूते भर रहे हैं। पड़ेंगे। आज रात को जब मैं ये सुर बजाऊंगा तो जूतों का ढेर हो जाएगा। वो तो होगा ही। जीजा जी, कई बार प्रोग्राम उल्टा भी हो जाता है। अगर जूतों की जगह हार पड़ने लगे तो? हाँ झटकन, ये झटका भी पड़ सकता। अब हार पड़ने का कोई चांस नहीं है। वो तो एक बार मैंने गलती करी थी कि लगन के वक्त में इनके गले में हार डाल दिया था, उससे पहले किसी ने पिनाया था। जा जा, तेरे से पहले 2 देवियां मेरे गले में वरमाला डाल चुकी हैं। ना जाने और कितनी डालेंगी। अब चुप मारने चमचा। ओ दोनों, तो मेरे लोग का 8वां सूर सुन सुन के ऊपर पहुंच गई थी, पर मैंने है ना 9वां सूर पकड़ के रखा है। मैं ऊपर नहीं जाने वाली, समझा? चलो गिरीश भाई, नाश्ता कर लो। हमने एक पिटारा खोला। मुन्नी जरा आहिस्ते बाबा। उसमें से निकला गप्पू गोला, उस गोले को दिया तमाचा, वो कठपुतली बन कर नाचा। सारी किताब में यही लिखा है क्या? आगे और कुछ नहीं है पढ़ने के लिए? जब देखो गप्पू गोला लेकर बैठ जा। कविताएं मुझे अच्छी लगती है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो अपने कान बंद कर लो। मुन्नी जा, मामी बुला रही है। आई माँ। क्या कर रही है? किताब पढ़ रही हूँ। माँ तुझे बुला रही है। क्यों? वही ताश, तेरे बगैर तो माँ को मजा ही नहीं आता। तू जा, मैं भी आती हूँ। जल्दी आना। अरे मिस्टर सालेग्राम, ये सारा दिन तुम गंदी अंग्रेजी अखबारें ही पढ़ते रहोगे या कुछ हमारी उत्तम संगीत विद्या भी सीखोगे? ये नहीं सीखेगा। अरे नहीं सीखेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि संगीत संग्राम का साला होकर? संग्राम नहीं, सम्राट। एक ही बात है, संगीत सम्राट का साला होकर एक सुर नहीं लगा सकता। सही बात है। जीजा जी, आपका संगीत भी बहुत अजीब है। 7 सुरों को तो दुनिया जानती है, 8वां सुर तो भगवान भी नहीं जानते। अरे भगवान 8वां सुर जानते तो दुनिया की ये दुर्दशा होती? बिल्कुल नहीं होती। सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता तो सारे के सारे मर मरा गए। अरे तो उसी को तो मुक्ति बोलते हैं, जिसके पीछे इतने बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं। इसी मुक्ति के लिए तो मैं चमचा बनकर इनके पीछे घूम रहा हूँ। नमस्ते। वो गुरचरण भाई तो सुर में है ना, कि वो उनके आके भी सुर कसूं? अरे ललिता बहन, मैं तो अकेली बोर हो गई, चलो ने पता खेलेंगे। झटकन ये कुछ नहीं सीखेगा, ये तो एक सरगम देखकर ही झटका खा गया। चलो अपने मुर्दा खाना में। मुर्दा खाना नहीं, म्यूजिक म्यूजिक हॉल। एक ही बात है। चलो ये चलो ने सुमन बहन क्या सोते है? अच्छा खुद ताश जम रहे हैं? अबे तू इधर औरतों में क्या करता, उधर जाके बैठने? उधर बैठा बैठे तो बोर हो गया। चलो ने ललिता बहन। हाँ हाँ, उसको फेंकिए आप, आप इसको फेंकिए आप। अरे तुम्हें क्या बताता है? बेचारी हार जाएंगी, एक तो तुम खेलने में तेज हो और ऊपर से हाथ की सफाई। अबे रहने दे रहने दे, पत्ता फेंको ना। अरे ललिता बहन, मैं तो बताना ही भूल गई, ये मेरा भाई है, गोवा से आया है। अब समझ में आया कि क्यों तुमने मेरा परिचय करवाया। बातों ही बातों ने कर लिया ना पता साफ। किसने किया? मैंने किया। मैंने किया चाची, फिर हेरा फेरी। अरे क्या ललिता बहन, तुम भी इसकी बात सुनते हो? छोड़ो ने। रेता जी, आप इसे जीत नहीं सकती। आपकी तारीफ? मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता, पड़ोस में रहती हूँ, जवान बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। आपकी शादी हुई क्या? अरे तू क्यों घबराता है भाई, इसकी बेटी तो नन्नी मुन्नी गुड़िया है। आप उसे नन्नी मुन्नी गुड़िया कहती हैं, मेरी सैल्यू ने इस उम्र की बेटियों की तो शादी कर दी, मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र लगी है। इससे तो कोई बातों में जीत नहीं सकता, खेलने देना। अरे 5 बज गए। अरे गिरीश भाई चालो ना, शो का टाइम हो गया। अरे हाँ दीदी, शो तो अपना ही है, इन लोगों के साथ में चलिए ना।
नहीं नहीं मैं घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई। अरे ललिता बहन चलो ना हमारे साथ में, बहुत मजा आता है। उधर है ना मेरे शो में बहुत जूते पड़ते, उनको जमा करके इधर लाने में तुम्हें मेरी मदद करना। मगर चाचा। अरे चलो ना तैयार हो जाओ, और सुनो तुम्हें भी चप्पल पहन के मत चलना, उधर से तो मेरे माप के एक ले लेंगे। चलो ना दीदी। चलो ना अभी जाओ ना, तैयार होके आओ, जल्दी आओ जो। हाँ जल्दी आओ जी। मैं शो देखने जा रही हूँ, साथ में वो लोग भी जा रहे हैं। वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो लोग कौन? वही चारू, चारू की माँ और साथ में गिरीश बाबू भी। गिरीश बाबू काफी सज्जच कर आई हो। गिरीश बाबू चारू के मामा हैं, तुम्हारी उम्र के हैं, गोवा से आए हैं, वहाँ उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। खूब मजे की बातें करते हैं, बहुत हंसाते हैं। अच्छा, दो दिन में सब कुछ पता लगा लिया? नाम, काम, कहाँ रहते हैं? जब भी पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं जाऊं? तैयार होकर आई हो तो पूछना क्या, जाती क्यों नहीं? तो जाऊं सिर्फ आज के लिए। ललिता परेशान मत करो, तुम अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो। जाना है तो जाओ, अब पढ़कर क्या करोगे? लोग अभी तक क्या बहस करता है, मैंने तो सवेरे ही पढ़ लिया था। भाभी उधर नहीं इधर आठवां सूर है। हाँ, पेपर में भी तारीफ निकली है। अरे पेपर वालों ने कहीं तमेरे लोग का तारीफ नहीं लिखा है, तमेरे लोग का मोड़ा काड़ा करा है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं तमेरे लोग का प्रोग्राम कभी तक संभालूंगी। अबे तेरी समझ में क्या, अभी तक तो किसी की समझ में भी नहीं आता, मगर एक दिन सबकी समझ में आएगा। अबे चलो ने, जूता खाने का वक्त हो गया है। जूते? हाँ तो मेरे लोग के प्रोग्राम में तो जूते ही पड़ते ने। अरे आज तो मैं चंपल पहन के भी नहीं जाऊंगी, उधर से ही मेरे माप का एक जोड़ी उठा लूंगी। अबे चलो। ये भी हिट है, हिट है। ओ गिरीश भाई तुमसे चलो। दीदी वो ललिता जी अभी तक नहीं है। ललिता बहन, ललिता बहन वो अभी आती होगी। दीदी 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 चलो, वो लोग तैयार हो गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो ना दीदी। दीदी देर हो रही है, चलो ना। क्यों जा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ दीदी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम से जाके कह दे कि मैं नहीं आ सकती। अरे सुन ये ले रुपए, मेरे खर्च कर। दीदी सारा पैसा खर्च करूंगी और चारू दीदी के साथ चाट भी खाऊंगी। आंटी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शो में नहीं आ सकती। लगता है उसने भी पेपर पढ़ लिया है। अरे चलो ना अपने जाइए, चलो। अरे तुम क्या विचारता है, चलो ना भाई। ओ मारे रोया हवे उठो ना, मारे तो हक करम फूटी गया सा। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज फिर से आपके सामने संगीत सम्राट। संगीत सम्राट नहीं, संगीत अठराहट। हाँ हाँ हाँ, वो आठवां सुर वाले संगीत अठराहट आ रहे हैं। आ रहे नहीं, आ गए हैं। किधर है? कहाँ? आ गए हैं। इनका आठवां सुर ना समझने वालों ने इन्हें बहुत कष्ट दिया है, पर ये अपनी जगह पर अटल रहे। आज अपने बारे में खुद कुछ बताएंगे। आई उस्ताद, उसे कहाँ चल? वो कुछ सात सुरों वालों ने वादा डाल दिया था। वो तो हमेशा हमारे साथ होता ही रहता है। बहनों और भाइयों, हमने दुनिया के सामने एक आठवां सुर पेश किया है। कुछ मूर्ख लोग जिनकी बुद्धि की सीमा सिर्फ सात सुरों तक है, वो हमारे आविष्कार में वादा डालते रहते हैं। सारांश में आठवां सुर यह है कि बड़े से बड़ा संगीत सम्राट दुनिया के दिए सिर्फ जला सकता है, मगर दुनिया के दिए बुझाने के लिए संसार को एक संगीत अठराहट की जरूरत है, जो हम हैं। नहीं तो 24 घंटे दिए जलते ही रहेंगे, देश का नुकसान होगा। बहुत नुकसान है ना? हे उस्ताद बोल। वो आ गई। कौन? सात सुरों वाली आ गई। हाँ ए, 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 मारा रोया, सात सुरों की सरगम ही चलेगी। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सात सुरों की सरगम।
अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी सात सुरों की सरगम, इस सरगम से नहीं मिटेंगे इस दुनिया के गम। लगा ले सुर तु अष्टम हो ये बिल्कुल नया है सिस्टम, लगा ले सुर तु अष्टम हो ये बिल्कुल नया है सिस्टम। हो जाएंगे दूर तेरे कष्टम, हो जाएंगे दूर तेरे कष्टम। अरे अष्टम 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 दूर करे सब कष्टम, अरे अष्टम 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 दूर करे सब कष्टम। सदा चली है सदा चली है सदा चलेगी सात सुरों की सरगम, इस सरगम से सदा मिटेंगे इस दुनिया के गम। तेरी बुद्धि है भ्रष्टम, क्या लगाना ना सुर अष्टम, तेरी बुद्धि है भ्रष्टम लगाना ना सुर अष्टम। हो जाएगी सारी दुनिया नष्टम, वो दुष्टम हो जाएगी सारी दुनिया नष्टम। अरे अष्टम 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 दूर करे सब कष्टम, अरे अष्टम 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 दूर करे सब कष्टम। सारे गम पदा निशा, सारे गम पदा निशा, सारे गम पदा निशा। वाह उस्ताद छा गए। जो बीवी हो झगड़ालम और करती हो तकरारम, जो बीवी हो झगड़ालम और करती हो तकरारम, और बात बात पे करती हो जो तुम पे अत्याचारम, अरे तुम पे अत्याचारम। आठवें सुर के चमत्कारम से, आठवें सुर के चमत्कारम से करने लगेगी नमस्कारम। नमस्कारम 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 नमस्कारम। ओ तारा नमस्कार में तो ऐसी की तैसी, तारे आठवें सुर से हो गया घर का बंटा धारम। बंगला बिक गया देने बिक गए बिक गए चलती कारम, और हो गए डब्बे तारम। बेकारम 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 धीरज धर ले, धीरज धर ले पति देव की बात कर ले कस्टम, कस्टम कस्टम हूँ लगा ले सुर तु अष्टम, ये बिल्कुल नया है सिस्टम। हो जाएंगे दूर तेरे कस्टम, हो जाएंगे दूर तेरे कस्टम। तो छा गए उस्ताद जवाब दो। लाए हैं हम तो दूर की कौड़ी, क्या समझेगी ये दुनिया निगोड़ी। मियां मल्हार को मसल दिया तब, निकली है ये नई नई तोड़ी, निकली है ये नई नई तोड़ी। जाके हो गया है कंगालम, कौवा चले जब चाल हंस की होता है ये आलम। हाँ होता है ये आलम, देख ले अपना हालम तो मान जाओ जालम। धीरज धर ले, धीरज धर ले पति देव की बात कर ले ट्रस्टम, कस्टम कस्टम हो लगा ले सुर तु अष्टम, ये बिल्कुल नया है सिस्टम। हो जाएंगे दूर तेरे कस्टम, हो जाएंगे दूर तेरे कस्टम। अरे अष्टम 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 दूर करे सब कस्टम, अरे अष्टम 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 दूर करे सब कस्टम। उस्ताद गड़बड़ाम 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 खराटाम
सराटम 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 सराटम। बहुत दिनों की बात है, एक लड़का और लड़की पास पास रहते थे, छोटी छोटी बातों रात देर से लौटी थी। हाँ, 10 बजे या 12 बजे। शो तो अच्छा लगा होगा, साथी भी अच्छे थे, उन्हें कैसी लगी? माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हाँ हाँ अभी देती हूँ, पहले शेखर को नाश्ता तो दिया। मैं नहीं जाती। क्यों, फिर उससे कोई झगड़ा हो गया क्या? तो फिर जाना, मेरी अच्छी बेटी है ना, जा। बहू इसे नाश्ता दे दे। वहां रख दो। यूं कब तक खड़ी रहोगी? मुझे अभी देर है, वहां रखकर तुम नीचे चली जाओ। होने दो देर, मुझे नीचे कोई काम नहीं है। शुक्र है, मुंह से कुछ आवाज तो निकली। नीचे काम नहीं तो अपने घर चली जाओ, वहां तो काम होगा। घर पे भी कोई काम नहीं है। घर में नहीं तो पास वाले घर में जरूर होगा, वहां तुम्हारे साथी इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। कोई एक घर तो नहीं है तुम्हारा? हाँ, नहीं है। ये क्या पिताजी, वो क्या है? अरे काम करने दे। अरे कहाँ ले गई? कौन बेटी, देख तो कौन आया। आई पिताजी। नमस्ते। नमस्ते पिताजी, ये है गिरीश बाबू। नमस्ते। चारू के मामा। नमस्ते। हाँ हाँ, बच्चों के मुंह से तुम्हारा नाम तो कई बार सुना था, अच्छा आज मुलाकात हो गई। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं भाई, यूं ही जरा आज छुट्टी का दिन है, दफ्तर का काम कर रहा था। जा वैसे दो कप चाय तो ले। अच्छा, चाय? और इस वक्त क्या हुआ? अरे भाई सुबह से 4 ही कप तो पिए हैं, मनाई है सर, अब आपके बहाने 1 कप और मिल जाएगा। अब आप बैठो। सुना है आपके यहाँ किसी की तबीयत ठीक नहीं? तबीयत ठीक नहीं? नहीं तो हो सकता है मैंने ये गलत सुना हो। कोई बात नहीं, लो 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 भाई चाय आ गई। लो भाई लो। आप ये चाय नहीं पीती? शेखर को पसंद नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है। और फिर ललिता बचपन से पढ़ती भी तो उसी से है, इतनी सी थी, अब देखो तो कितनी बड़ी हो गई है। मेरी इकलौती बहन की एक ही निशानी है, इसके माता पिता बचपन में ही चल बसे, और पिता अपना सब कुछ दान करके चले गए, लेकिन इस बिचारी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। मामा जी, तुम तो जानते ही हो माँ बाप के लिए बेटी की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का अपनी बिरादरी का, जिसके मन का झुकाव एक लेन देन की बजाय एक अच्छे जीवन साथी की तरफ हो, तो ख्याल रखना जी। और फिर ललिता में तो ऐसे गुण हैं जिसके घर जाएगी सबको सुख देगी। जी मैं कोशिश करूंगा। ओहो, इनका भी कोई ख्याल नहीं करता, सब मुझे ही करना पड़ता। मुन्नी, ओ मुन्नी, इधर आ। क्या शेखर भैया, चारों तरफ काम ही काम है, फुर्सत ही नहीं मिलती। काम ही समय नहीं मिलता। बोलो शेखर भैया, पंछी का दाना पानी मेरे नाम लिखा है, मेरे सिवा कोई फिक्र ही नहीं करता। कल का शो कैसा लगा मुन्नी? बहुत अच्छा था। और तुम्हारी दीदी को कैसा लगा? वो तो गई नहीं। नहीं गई क्यों? सब लोग ने बहुत खा, चारू के मामा ने तो बहुत जोर दिया, लेकिन दीदी के सर में दर्द था, वो कैसे जाती? अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आता। गुड़िया की फ्रॉक सीनी है, कोई हाथ बचाने के लिए भी तो नहीं है। अच्छा मनी, दीदी को यहाँ भेज देना। तू वो कपड़े गिन ले।
याक दुई तीन तीन नहीं चार है हाँ लिखा याक दुई तीन चार मालकिन माफ करो छोटा हाथ दिखा दे रहा है मालूम है तू ऐसे कर करके अपने घर में कपड़े भरता है राम राम विका आप झूठ इल्जाम लगावा था चोरी करा कोई का भला हुआ है का दीदी दीदी छह का भैया बुला रहे क्यों छह जाऊं से कहते मैं नहीं आती मैं ऐसे ही कह दूंगी आठ हाँ ऐसे ही कह दे नौ ये दस शेखर भैया दीदी कहती है मैं नहीं आती ठीक है तू जा जा रही हो मैं सोचता था कई दिन से तुम इधर आती ही नहीं अब पता चला आकर चुपके से चली जाती हो बताया क्यों नहीं उस दिन कि तुम शो में नहीं गई थी मुन्नी ने मुझे सब कुछ बता दिया मैंने बिला वजह बहुत डांट दिया तुम्हें बुरा लगा ना बुरा क्या तुम डांटते रहते हो मैं सुनती रहती हूँ अपना समझ कर ही डांटता हूं अब भी नाराज हो लीजिए मेरी बेटी तो आपने देख लिया सुशील गुणवती सो ब्यूटीफुल एंड हाईली एजुकेटेड तभी तो उसका नाम विद्यावती रखा है वो तो ठीक है किशनदास जी लेकिन मेरा लड़का भी वकील है 50,000 रुपए तो उसकी पढ़ाई पर खर्च कर चुका शादी पर और खर्च होगा 1,25,000 रुपए मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा क्यों मुरारी लाल बिल्कुल सरकार बिल्कुल नवीन भाई जी ऐसे पवित्र रिश्तों में रुपया या कीमत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता आपने 1,25,000 रुपया मांगा है मैं 5 लाख क्या 10 लाख रुपया देने को तैयार हूँ मगर जरा प्रैक्टिकल होना चाहिए कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ 80,000 में तय कर ही दीजिए देखिए आप शायद मुझे लालची समझ रहे हैं मुरारी लाल जी सरकार तुम तो अविनाश की शादी में गए थे जी जरा बता दो इन्हें कि वो शादी कैसे हुई थी हाँ सरकार क्या याद दिला दिया आपने ऐसी शादी बार 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 थोड़ी देखने को मिलती है मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि आप सब पिछली शादियां भूल जाएंगे तो क्या आप किशनदास जी को कम समझते हैं ये कसर थोड़ी रखेंगे आप फिक्र मत कीजिए नवीन बाबू खातिरदारी में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मुझे आपका लड़का पसंद है मैं किसी कीमत पर भी ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहता पिताजी माँ बुला रही है माँ कीजिएगा मैं भी आता हूँ अब क्या हुआ बीच में क्यों बुला लिया शादी पक्की कर रहे हो शेखर से तो पूछ लिया होता उससे क्या पूछना है माँ पिताजी ने लड़के को देखा है हाँ हाँ अच्छा खासा देखा भला ऊंचा खानदान है और फिर 80,000 रुपए दे रहे हैं जब देखो पैसा पैसा बेटा बेचना है क्या मैं कहती हूँ उनसे बोल दो जब तक लड़का लड़की को देख नहीं लेगा ये शादी पक्की नहीं होगी वो चाहे कुछ कहने कहें तुम अपनी टांग बीच में जरूर लड़ाना अविनाश जी शेखर से कह दो वो इतवार को जाकर तुम्हारे साथ लड़की देखा ओफो बस करो ना प्लीज लगाने दो लड़की ने पसंद ना किया तो लड़की के सेंट से पसंद करेगी और नहीं तो क्या पता नहीं माँ ने कहाँ फंसा दिया इतना सज धज कर जाना पड़ता अगर जाने की इच्छा नहीं है फिर क्यों जा रहे हो पिताजी को नहीं जानती अगर नहीं गया तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगी माँ जी और ताऊजी की इच्छा है फिर तो जाना ही चाहिए अरे तू अभी तक गया नहीं और अविनाश वहाँ गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहा है क्यों भेज रही हो माँ भैया को जाने दो ना शादी तुझे करनी है और अविनाश को भेज दू तेरे पिताजी लड़की देख कर आए हैं और उन्हें लड़की बहुत पसंद है तो फिर पिताजी से कहो कि वो शादी कर ले कैसी बातें करता है ललिता चल इसे जल्दी से कोर्ट दे दे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा चल जल्दी से सेठ जी एयर की कंडीशन चालू है और मैं पंखे से हवा किए जा रहा हूँ फिर भी आप तो पानी पानी हो रहे हैं अरे भाई मैं पानी पानी नहीं हो रहा ये तो घबराहट का पसीना है विद्यावती की माँ विद्यावती की माँ क्या कहा लड्डू ले आऊं अरे मैं बैरा नहीं हूँ बैरी तो तुम हो अरे मैं कह रहा हूँ विद्यावती तैयार हुई है या नहीं क्या
अरे कान में मशीन लगाना भूल गई क्या? तुम्हारी भी अजीब खोपड़ी है, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम मुझे मशीन लगाने को कह रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं बैरी हूँ। अरे वो आ गए, वो आ गए, अरे वो आ गए, घर पे दामाद आ रहा है, मुंह क्या देख रहे हो, होने वाले म्यूजिक डायरेक्टर अब शुरू हो जाओ। आइए 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 शेखर बाबू, वेलकम टू माय अंबल पैलेस। नमस्ते। आइए 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 शेखर बाबू। आइए मेरे लाल शेखर। ओह गलती हो गई। नमस्ते। आओ आओ बैठो। कितना अच्छा है मेरा बेटा, मेरी बेटी विद्यावती के लिए तुमसे अच्छा वर तो हो ही नहीं सकता मेरे बेटे। देखो देखो, देखने के लिए तो बुलाया है आप लोगों को। वाह आपकी सिलेक्शन तो बहुत ही अच्छी है। अरे जैसी उनकी रुचि वैसे सब वस्तुएं एकत्रित करके रखी है। आप लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं? अरे म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बंद करो। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओह मेरी बेटी भी आ गई। आओ बेटी। है लाडली बेटी है मेरी, विद्यावती है नाम इसका। बेटी नमस्ते करो ना शेखर बाबू को। हाय। बड़े प्यार से पाला है हमने इसे। वो तो नजर आ रहा है जी। मैंने कहा सेहत काफी अच्छी है। शहद वहद खिलाया है ना, अभी तो आधी भी नहीं है, दो महीना पहले देखते तो डाइटिंग कर कर के बेचारी दुबली हो गई है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो आप जानते ही हैं। आप लोग बातें कीजिए, हम लोग अब भी आते हैं। चलो, चलो जी। क्या चिक चिक लगा रखी है? चाहिए? हाँ हाँ, अरे आप लीजिए ना। नहीं कम पड़ जाएगा। स्वीट। आपकी हॉबी क्या है? बॉबी बॉबी मैंने चार बार देखी है, था तू फिल्म है एकदम। आपने भी देखी है? उसमें वो गाना है ना, हम तुम एक कमरे। अच्छा, अच्छा। आपको फिल्मों का काफी शौक है? बहुत शौक है। कौन सी फिल्म देखी आपने? लेटेस्ट गुले बकावली। आपने भी देखी है? जी। फैंटास्टिक। देखा ना हम दोनों के टेस्ट कितने मिलते हैं। अरे आप लीजिए ना, आप तो कुछ खाते ही नहीं। मेरी कसम दादी, देखा ना खाने पीने भी बिल्कुल एक ही टेस्ट है हमारा। एक ही टेस्ट क्यों ना हो बेटी, जन्म कुंडलियां जो मिलती हैं। क्या कहा? जन्म कुंडलियां। वैसे तो हमारी जोड़ी जम के रहेगी। भाई साहब आपको कहीं जाना था ना? मुझे? अरे हाँ, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। अच्छा तो हम चलते हैं। तो फिर लड़की के बारे में क्या सोचा आपने? वो तो सब पिताजी बता देंगे। चलो फिर जल्दी चलते। अरे अरे सुनिए, आप जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आप कब मिलेंगे? फिर अब तो आना जाना लगा ही रहेगा बेटी। क्यों बेटा? शेखर बेटा हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रही? जी नहीं, कमी। नमस्ते डैडी, I will marry him। यहाँ कौन सा बगाड़ देना है दाल में? तुम चुप रहो जी। बेटी मैं पहले ही कहता था कि तुम दोनों की जन्म कुंडलियां मिलती हैं, मैं तुम्हें यही पति ला कर दूंगा। अरे अविनाश। क्या है माँ? कैसी है लड़की? पिताजी ने लड़की पसंद की है, लड़की अच्छी है। क्यों रे शेखर, तू भी तो कुछ बता। वाह माँ उस घर की क्या बात है, मखमली कालीन शानदार फर्नीचर, वो तो बड़े लोगों का बड़ा घर था। वो सब तो ठीक है लेकिन लड़की कैसी है? लड़की तो ठीक है लेकिन उन्होंने सारे खाने ऐसे सजा कर रख दिया कि मैं खाता ही चला गया, पेट बहुत भर गया है माँ। अच्छा अच्छा, लड़की तेरी भाभी जैसी है ना? भाभी? भाभी की क्या बात है, ये तो तुम्हारी पसंद है।
और फिर भाभी जैसी मिलनी भी तो चाहिए। मेरी तारीफ छोड़िए, जिसे देख कर आया है उसकी तारीफ कीजिए। उसकी लड़की में कितने गुण है, कितनी पढ़ी लिखी है। नाम की विद्यावती बताया और फिर विद्या के बारे में पूछ के उसका अपमान क्यों करता। लगता है शेखर ने लड़की बराबर नहीं देखी। मेरा भी यही ख्याल है, शायद देवर जी को लड़की पसंद नहीं है। कैसी लगी? हाँ, क्या लड़की है, जन्नत की परी, खिलती कली, क्या फीचर्स हैं, क्या टेस्ट है, ऐसी लड़की आज तक देखी नहीं। नहीं देखी? आजकल ऐसी देखने को कहाँ मिलती है। तो तुमने हाँ कह दी? पिताजी की पसंद का जवाब नहीं, 100 किलो से कम नहीं है और लड्डू खाने में तो चैंपियन है, साबित मुंह में डालती है सीधे अंदर, मिनटों में प्लेट साफ। इसका मतलब सेहत काफी अच्छी है। और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी है, खाया पिया नजर ही नहीं आता। इतनी पसंद है तो अभी जाके शादी कर लो। अभी? दीदी माँ बुला रही है। दीदी यहाँ तो मैं बिल्कुल बोर हो गया। तो फिर जाने तेरे जीजा जी के पास बेट। वो यहाँ है नहीं। तो फिर जा, जाके किधर घूम क्या? ऐसा कौन सा बढ़िया शहर है जो मैं बाहर घूमने चला जाऊँ, और फिर ये इतनी गर्मी पड़ती है। दीदी तुम ताश अकेले खेल रही हो। तो फिर क्या करूँ, मैं और चारू दोनों में कोई खेल जमता है। तो फिर ललिता को बुला लो। यहाँ जाने चारू, ललिता बहन को बुला के ला। चारू जाके तो थोड़ी आएगी, तुम खुद जाओ ना। अब मैं किधर जाओ? जाओ ना दीदी, चार हो जाएंगे तो खेल जम जाएगा। चल देखती हूँ। पापा आलो, ए ललिता बेन, तुम्हें इधर बैठा है उधर तुम्हारे वगैरह खेल ही नहीं जम दिया, चलो ना। कभी तो पढ़ने दिया करो आंटी। आंटी फिर आंटी, मेरे को कितनी बार किया है कि मेरे को आंटी मत बोलो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। और तमेरे में और अमेरे में कहीं ज्यादा फर्क थोड़ी है। लेकिन चारू के पिताजी को तो मैं अंकल ही कहती हूँ। उनको चाहे मैं तो तू दादाजी बोल, मगर अमेरे को तो तू अपनी सहेली समझ। चलो ने, गिरीश पर इंतजार कर रही है। छोड़ो ने किताब, तमेरे को पढ़ के कौन सा पंडित बन जाने का है। चलो आंटी तुम्हारा भी जवाब, हमें कितने दिन के बाद खेलना है। चल भाई। दीदी आज खेल जम क्यों ना। हाँ, पर पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर मैं और ललिता जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत होशियार है, दोनों अच्छा खिलाड़ी। एक तरफ वैसा करो, तुम ललिता हो जाओ, मैं और चारू हो जाते हैं। हाँ वो ठीक है, चल गुलाम पीस हो जाए। हाँ चल पीस हो चल। आज तो तुम्हें सारा दिन पिसाता रहूंगा। अबे रहने दे रहने दे, एक गेम के बाद मैं तेरे से पिसाऊंगी। आज के समय हाँ देखती हूँ मैं क्या तू करता है। मुन्नी, ओ मुन्नी, ऊपर आती तो इधर बुला रहे थे, नीचे काम ऊपर काम, एक जान बिचारी मुन्नी कहाँ कहाँ जाए। ललिता कहाँ? चारू किधर ताश खेल रही है। कौन कौन है? चारू, चारू की माँ, दीदी और चारू के मामा। खेलने में तो चार तो चाहिए। ललिता को फौरन भेज। अच्छा दीदी, 5 हाथ हो गए, तुम्हारा तो एक भी नहीं हुआ। अवेरे ने दे। आज की सफाई। अवेरे ने दे ने। चलो ले ललिता बहन। दीदी दीदी, शेखर भैया ने बुलाया है। जा कहते मैं अभी आती हूँ। उन्होंने अभी बुलाया। अभी बुलाया है? जल्दी आना चाची, मैं चलूं। अरे खेलो ना ललिता बहन, अभी भी तो गेम शुरू हुआ। हाँ अभी दो चार आप खेल के जाओ, ऐसे मत जाओ। नहीं अरे बन जाएंगे सब, खेल का सत्यानाश कर दिया। दीदी ये शेखर बाबू कौन है? वो अपना पड़ोसी नवीन भाई है ना, उसका लड़का है, वकील है, वकील। बाप तो महासूद खोर कंजूस मक्खी चूस है, लेकिन उसका लड़का अच्छा है। ललिता का उसके घर में बचपन से आना जाना है, वो उसको पढ़ाता है। अब तेरे लिए दूल्हा ढूंढना ही पड़ेगा। अरे मुन्नी, ऊपर तूने मेरे बारे में क्या कहा? जैसा शेखर भैया ने पूछा कह दिया। क्या कह दिया? देखो दीदी, मुझे इधर उधर की बात बनाने नहीं आती है। जैसा उन्होंने पूछा कह दिया कि दीदी गिरीश बाबू के यहाँ ताश खेल रही है। तुझे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अब तेरे और तेरी गुड़िया के पैसे बस। ताश खेल रही थी। हाँ। गिरीश बाबू के साथ।
इसी वजह से इधर नहीं आ रही। पढ़ने का इरादा नहीं तो छोड़ दो। मैं तो पढ़ रही थी, चारू की माँ खींच कर ले गई। ये कैसा बचपना है, चारू की माँ मुझे जबरदस्ती खींच कर ले गई थी, जैसे तुम दूध पीती बच्ची हो। मैं खूब समझता हूँ कि तुम वहां घड़ी घड़ी क्यों जाती हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें वहां जाना अच्छा लगता। अब खड़ी क्यों, जाओ ताश खेलो। बुलाया क्यों था मुझे वो? अब रो क्यों रही हो? काश तुम समझ सकते। मन मेरे काहे करे चतुराई, काहे करे चतुराई। चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई, चंचल मन, चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई। चंचल मन मोह माया के जाल में फंस के, मोह माया के जाल में फंस के तूने ठोकर खाई रे खाई। चंचल मन, अरे चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई। चंचल मन भीगी पलकें पूछ रही है, भीगी पलकें पूछ रही है कोई इन्हें बतलाए। आंसू बन के प्यार भला क्यों आंखों से बह जाए। दर्द उसी से पाया तूने, दर्द उसी से पाया तूने जिससे लगन लगाई लगाई। चंचल मन, चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई। चंचल मन जिसको तूने अपना समझा, जिसको रे तूने अपना समझा वो तो हुआ ना तेरा। रात को उसकी याद में रोया भूला जो हुआ सवेरा। झूठी आशा फिर से तुझको, झूठी आशा फिर से तुझको उसी के दर पे लाई रे लाई। चंचल मन, अरे चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई। चंचल मन मोह माया के जाल में फंस के, मोह माया के जाल में फंस के तूने ठोकर खाई रे खाई। चंचल मन, चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई। चंचल मन
गुरु जी आप ठीक ही कहते थे, दुनिया एक दिन जरूर आपका ये आठवां सुर मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? देखिए दोनों आपको साइन करने आए। जी हाँ, हमने आपका आठवां सुर सुना भी और उसका कमाल पेपर में भी पढ़ा। कमाल का सुर है। मगर मेरे अजीज तुम दोनों बहुत लेट आए। क्यों? अरे भाई वो आठवां सुर तो हम कभी का पीछे छोड़ चुके, अब तो हम नौवें सुर पे आ गए। नौवा? हाँ। वो कौन सा? अरे वाह वाह सुर गुरु कंताल जी, ये तो आठवें से भी बढ़कर और चढ़कर है। क्या झटकन जी, खा गए ना झटका? खा गए झटका। देख लो सब लोग हमारे सब सुर मानने लगे। मानेंगे। क्यों भाई, कौन से शो के लिए आए हो? जी मैं शो के लिए नहीं आया, दरअसल मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या? मैंने तीन खोलियां किराए पर दी हुई है, ना तो किरायादार किराया देते हैं ना खाली करते हैं। मैं उन्हें खाली कराने के सारे फार्मूले जमा चुका हूँ, यहाँ तक के वकीलों के नोटिस भी दिलवा चुका हूँ, लेकिन वो खाली नहीं करते। तो इसमें मैं क्या करूँ? जी मुझे पूरा यकीन है आपका ये नवा सुर सुनकर वो जरूर खाली कर जाएंगे। देखा झटकन जी, एक सुर से खोलियां खाली होने लगी। जब हमने पूरा सरगम पेश कर दिया तो देश और दुनिया दोनों खाली हो जाएंगे। ये भी हिट है। हाँ तो मेरे दोस्त आपकी क्या समस्या है? जी वो मी 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 झटकन जी, ये तो तुम्हारे से भी ज्यादा झटके खाता है। बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, संगीत विद्या में टाइम लगता है। बोलो भाई। जी वो मी मी मिठन लाल ने मुझे हारने की धमकी दी है, दादा बनता है आपको, ऐसा सुर दिए जिसे सुनते ही वो मर जाए। फौरन मर जाएगा, मगर उसके लिए हमें दसवा सुर निकालना पड़ेगा। खबरदार आगे कोई सुर निकाला तो, नौ सुर तक तो मैंने पकड़ के रखा था, अब अगर दसवा सुर निकाला नहीं तो तमेरा दसवा सुर सुन के वो तो बाद में मरेगा, पर मैं पहले मर जाऊंगी उसका क्या? झटकन जी, तब तो दसवा सुर निकालना ही पड़ेगा, चौथी आ जाएगी। क्या? तुम्हारी बात नहीं, इसकी भाभी की बात हो रही है। भाभी? हाँ। हाँ। चुप मत ना चमचा। लाइए माँ जी, मैं भिगो देती हूँ। ला बेटी आलू तो देना। ये लो माँ, तीन टिकट आया, रिजर्वेशन बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं सोचती थी इस साल ना जाऊं, और फिर तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, ना जाने कब दौरा पड़ जाए, और इतने सालों से जा रही हूँ कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। नहीं माँ, जब भी तुम पहाड़ पर जाती हो अच्छी होकर आती हो। महीने भर की तो बात है, और फिर यहाँ हम लोग भी तो हैं। माँ जी ऐसा कीजिए, आप हो आइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। ललिता जा अपने मामा से पूछा और कपड़े रख दे। अच्छा माँ। माँ मैं तैयारी करवाता हूँ। अविनाश ललिता के लिए एक नई शाल मंगवा दे। ठीक है माँ, मंगवा लेता हूँ। पहाड़ पे जा रही है, बेचारी के पास गर्म कपड़े भी तो नहीं है। मामा। हाँ जी। वो माँ जी पिछले साल की तरह पहाड़ पर जा रही है। जरूर तीन टिकट मंगवाए होंगे। वो कह रही थी। हाँ हाँ, तू और माँ जी दो थोड़े ही हो, वो तेरे बगैर जा नहीं सकती, और तुझे जाना भी चाहिए। पिताजी पिताजी पिताजी, मेरी लड़की की शादी इसी महीने करनी पड़ेगी, जरा पंचांग देख के बताइए कौन सा दिन ठीक रहेगा, ये तो शराब लग जाएंगे। तो क्या हुआ, शराब के बाद कुछ शुभ दिन देख के निकाल लेंगे। ना बाबा ना, जवान बेटी को मैं ज्यादा दिन घर में नहीं रखूंगी, लोग क्या कहेंगे, बरादी में मजाक उड़ाना है क्या, जितनी जल्दी हाथ पी लेंगे उतना ही अच्छा है। अभी से दादी मुंह बनी जाए। लड़ो मत लड़ो मत, बैठो बैठो, देखता हूँ देखता हूँ। तो तुम्हारी कन्या कन्या पूर्णमासी की रात को 8 बजे का लग्न ठीक रहेगा। ओ बाबा, सारी तैयारी पड़ी है, कुछ ही दिन रह गए, सगे संबंधियों को न्योता देना पड़ेगा, ये सब कैसे होगा। अच्छा मैं चलती हूँ। क्या है बल्टू? मालिक ने आपको याद किया है? अच्छा अच्छा। लेकिन मामा खाना तो खा के जाओ। नहीं नहीं, बाद में आके खाऊंगा। पिछले 2 साल से चुप बैठा हूँ मुनीम जी। हाँ सरकार, गुरुचरण तो आपकी मेहरबानियों का नाजायज फायदा उठा रहा है। तो आने दो, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। हाँ सरकार, आज तो फैसला हो ही जाना चाहिए। हाँ जी, आज तो होना ही चाहिए। नमस्ते, आपने मुझे याद किया? याद नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, तुम तो हमें भूल कर भी याद नहीं करते, पड़ोसी होने के नाते कभी कभार आ जाया करते थे, पैसे क्या दिए, मेल मुलाकात से हाथ ही धो बैठे।
जी ऐसी तो कोई बात नहीं, आपने बुलाया मैं चला है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ गुरुचरण, बिना बुलाए तो तुम आते ही नहीं। पैसों के बारे में भूल गए क्या? भूला कहाँ हूँ, रात दिन उसी फिक्र में तो लगा रहता हूँ। तो क्या इल्जाम हो गया? जी अभी तक तो नहीं हो सका। सुन लिया मुरारी लाल, इंतजाम नहीं हो सका, रात दिन फिक्र में लगा रहता है। अरे भाई मुझे इसकी फिक्र से क्या वास्ता, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। 15,000 रुपए नकद गिनकर दिए थे, 100-200 की बात होती तो भूल भी जाता। हाँ जी वो तो हमें भी दे करके भूल जाते हैं मालिक, क्यों जी? नवीन बाबू मुझे कुछ समय की मोहलत और दे देते तो अच्छा था। पिछले 6 महीने से यही कह रहे हो? जी वो जी से काम नहीं चलेगा। सुन लो गुरुचरण, 7 दिन के अंदर रकम नहीं चुकाई तो मुझे तुम्हारा मकान नीलाम करना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। तो मेरा जी हाँ सरकार, तो ऐसा करना ही पड़ेगा सरकार, आखिर कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे आप? आज कितना काम पड़ा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। ओहो तो जा मैं अभी आई। मामा क्या हुआ? मामा ताऊ जी ने कुछ कहा क्या? एक गिलास पानी ले क्या? गिरीश आ भैया बैठ। क्या बात है, आज आप परेशान नजर आ रहे हैं, दफ्तर में कोई सी बात तो नहीं हुई? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मामा अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, बड़ी बेटी की शादी के लिए नवीन बाबू से कर्ज लिया था, बेटी तो चल बसी कर्ज रह गया। समझ में नहीं आता 15,000 की रकम 7 दिन में कैसे चुका पाऊंगा, नहीं दे सका घर नीलाम, बाल बच्चों को लेकर सड़क पर जाना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहो। नहीं नहीं कहो। मेरे पास रुपए रखे हैं, फिलहाल तो मेरे काम आने वाले नहीं, आप उनसे नवीन बाबू का कर्ज चुका दीजिए। तुम मुझे कर्ज दोगे किस सूद पर? सूद? मैं नवीन बाबू की तरह सूद का धंधा तो करता नहीं, आप लीजिए जब हो तो लौटा देना। गिरीश तुमने मुझे बचा लिया, मेरी इज्जत रख ली। मामी गिरीश बाबू मामा का सारा कर्जा चुका रहे हैं। क्या सच? सच मामी, मैं भी सुनकर आ रही हूँ। चलो भगवान ने हमारी सुन तो ली। लड़का अब तेरे मामा की सारी चिंता दूर हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा हाँ मैं जो आपसे कहने आया था वो तो भूल ही गया। क्या? ललिता जी के बारे में लड़के के लिए कहा था ना, हाँ हाँ। वो लोग लड़की देखना चाहते हैं तो ठीक है भी, कह दो उनसे कभी भी देख सकते हैं। लेकिन सुना है ललिता जी शायद बाहर जा रही हैं। जा तो रही है लेकिन नहीं नहीं भाई ये काम ज्यादा जरूरी है, मैं उसे रोक लूंगा, ऐसे रिश्ते बार बार थोड़े ही मिलते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा मुन्नी की माँ, अरे सुनती हो? मैंने सब सुन लिया, ललिता ने मुझे सब बता दिया। देखो ना मैं तो सोच ही नहीं पाता था इतनी जल्दी कर्जा कैसे चुका पाऊंगा, भगवान ने ग्रीस को भेज दिया इस काम के लिए। बस क्या बात है यार, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? हाँ यार बात कुछ ऐसी है। क्या है, हमारे पड़ोस में एक साहब रहते हैं। अच्छा, अगर वक्त पर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो बेचारे का मकान नीलाम हो जाएगा। तो इसमें परेशानी क्या बात है, तुम अपने पिताजी से लेके दे दो। नहीं मैं पिताजी से नहीं मांगना चाहता। समझा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यही 15,000 रुपए। 15,000 राइट, चेक चलेगा? सुना भाई आज हमारे मुनीम की हथेली बड़ी खुजला रही। लेकिन मालिक लगता है आज कमबख्त खुजलाती ही रह जाएगी। हाँ सरकार, वो लक्षा किधर है, हम भी तो देखे कि शेखर बाबू का मकान कैसा बन रहा है। अरे भाई नक्शा अभी बनकर आया ही कहाँ है। नमस्ते नवीन बाबू। क्यों गुरुचरण,
ये सर झुकाए चले आ रहे हो? आप नाराज क्यों होते हैं? मैं पैसे ले आया हूँ। लेकिन थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा भाई, मुझे पूरा पैसा चाहिए। ये लीजिए 10 और 2 12 और ये 3 15। पूरा पैसा चुका रहे हो? और ये सूद? सूद ही दे रहे हो? इतनी बड़ी रकम किस सूद पर ली? क्या मकान बेच दिया? ना तो मैंने मकान बेचा है और ना ही कर्ज लिया सूद पर। तो फिर ऐसा कौन दानीकरण मिल गया? हम भी तो उसका नाम जाने। देने वाले ने नाम बताने से मना कर दिया। अरे ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमसे छुपाना चाहते हो? आप पैसे गिन लीजिए और मेरे कागजात मुझे वापस कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, उसमें गिनने की क्या बात है भाई। मुनीम पूरा पैसा चुका दिया, सूद भी दे दिया, तो कागज थोड़े ही रखेंगे। लो। शुक्रिया, नमस्ते। कैसा मुंह पर जूता मारकर चला गया? सरकार अब तो ये गुरचरण हम लोगों के साथ बैठना भी मुनासिब नहीं समझता। और तुम सब लोग यहाँ बैठे हुए छक मार रहे हो। सरकार आप कहें तो मैं उस दानी का पता लगाऊं। हथेली की खुजली। पिताजी मैं मकान का नक्शा दाया। ऐसा करो अविनाश, इसे फ्रेम में लगाकर अपने कमरे में टांग लो। जी जी, दीदी शेखर भैया छोटे होते तो मैं अपनी गुड़िया की शादी इन्हीं से कर देती। घर अच्छा है और लड़का भी देखा भाला है। अच्छा बाबा, अब जाके रुमाल ले आ। लो। ओ, तुमने सूटकेस अभी से तैयार कर लिया? जाना तो परसों है, कल तुम अपने कपड़े लाकर इसी में रख देना। दीदी तो नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? क्यों? हाँ वो मामा जी कह रहे थे कि। क्या कह रहे थे मामा जी? क्या बात है, चुप क्यों? शेखर भैया आप ही सोचिए, दीदी अपनी शादी की बात कैसे बोल सकती है? शादी? आपको कुछ नहीं मालूम शेखर भैया, गिरीश बाबू ने दीदी के लिए लड़का ढूंढा और दीदी की शादी के लिए सारा खर्चा भी कर रहे हैं। कितने अच्छे ने गिरीश बाबू, है ना शेखर भैया? हाँ बाबूजी कह रहे थे गिरीश बाबू अगर ताऊजी का कर्जा ना चुकाते तो हम सब फुटपाथ पे होते। शेखर भैया आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मन्नी, जाए ग्लास पानी लिया। अच्छा इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। हाँ अब मैं तुम्हारे इतने करीब भी कहा हूं और मेरा तुम्हारे पे इतना अधिकार भी कहा है। और ठीक भी तो है, गिरीश बाबू तुम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मैं समझता हूं जो कुछ भी गिरीश बाबू तुम्हारे लिए करेंगे अच्छा ही होगा, अच्छा ही करेंगे। अब तुमसे ये नहीं हो पाएगा, मेरी जरूरत की चीजें कौन कौन सी हैं शायद तुम ये भी भूल गई होगी। अब तुम्हारे बाद मुझे ये याद करके रखना पड़ेगा। जिसको तूने अपना समझा, जिसको रे तूने अपना समझा, वो तो हुआ ना तेरा। रात को उसकी याद में रोया, भूला जो हुआ सवेरा। झूठी आशा फिर से तुझको, झूठी आशा फिर से तुझको, उसी के दर पे लाई रे लाई चंचल मन। अरे भाई नौकरी तो कर रहा है ना, खानदान भी अच्छा है, और क्या चाहिए? वो तो ठीक है,
न जाने मुझे क्यों पसंद नहीं। ठीक है तुम चाहते हो तो और देख। आओ आओ शेखर। अरे भाई वहां क्यों खड़े हो? गिरीश यही है शेखर, नवीन बाबू का बेटा, जिसके बारे में उस दिन तुमसे बात कर रहा था। हाँ। इनके हमारे पास घर जैसे संबंध है, इसलिए बच्चों का आना जाना लगा रहता है। शेखर गिरीश को जानते हो ना? जी हाँ, नाम तो सुन चुका हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, मुझे भी। ललिता जी से मैंने आपके बारे में सुना तो था। लीजिए। आप जी? वो चाय नहीं पीते, इसीलिए इन्हें दूसरों का चाय पीना पसंद नहीं। आपकी इजाजत हो तो मैं पी सकता हूँ? शौक से, जहाँ अपना पन्ना हो वहाँ रोक तो कैसी। देखा गिरीश, वकील है ना, बातों में नहीं जीतने देगा। लेकिन लड़का कमाल है, पैसे वाले बाप का बेटा होते हुए भी अपनी कमाई पर जीना पसंद करता है। चाचा जी आपने तो मेरी तारीफ शुरू कर दी, कुछ गिरीश बाबू के बारे में बताइए। अरे भाई इसकी क्या तारीफ करूं, हमेशा दूसरों का भला चाहता है। ललिता के लिए लड़का भी तो इसी ने देखा। तो फिर? मुझे तो पसंद है, इसे पसंद नहीं आया। क्यों, इन्हें क्यों पसंद नहीं आया? मैं सोच रहा था जैसे ललिता जी हैं उनके लिए वैसे खूबसूरत बड़ ढूंढा जाए। अरे भाई लड़के की खूबसूरती तो उसके गुणों में होती है। मेरे ख्याल से गिरीश बाबू ठीक ही कह रहे हैं, ललिता के लिए वाकई खूबसूरत लड़के की जरूरत है। अच्छा चाचा जी, बस मैं और माँ बाहर जा रहे थे, सोचा मिलते चलें। बात पक्की हो जाए तो ठीक समय पर खबर देना ना भूलेगा। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो, तुम लोगों के बगैर शादी थोड़ी हो सकती है, और फिर भाभी के बिना जिसने ये ललिता कहाँ गई? शादी की बात कर रहे थे ना, इसीलिए शर्मा गए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारा स्वेटर रखना भूल गई थी, पिछले साल पहाड़ पे तुम्हें सर्दी लग गई थी ना, ऊपर रख रही हूँ, याद से पहन लेना, भूलना मत। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं पहनोगे? हाँ नहीं, बात ये नहीं, ललिता जाने से पहले बतला कर जाना कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब तक तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, हर चीज तुम संभालती थी, अब तुम चली जाओगी तो ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हारी शादी के बाद तो तुम बताने भी नहीं आ सकते। हट जाओ। हट तो जाना ही है, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। ललिता बहुत अच्छे, दीदी की शादी का खर्च वही कर रहे हैं। उस्ताद जी आ झटकन। उस्ताद जी, अरे आप तो सुपर हिट हो गए, छा गए बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, क्या बात है, बैठो बैठो। ये देखिए ना, आज तो कब्रिस्तान से भी आदमी आ गए, मुर्दा उठ के आ गया। मुर्दा जैसे दिखता है लेकिन जिंदा है, ये तो मरने को आया। अरे नहीं नहीं, ये तो मर जाएगा, ये मारने के लिए आया। मारने के लिए आया जी? तुम्हारी क्या समस्या है भाई? सेठ जी, सेठ जी नहीं उस्ताद जी, इधर कोई धंधा नहीं हो रहा है। उस्ताद जी बोलो। उस्ताद जी हाँ। मेरा जमीन कोई दिन से खाली पड़ा था हाँ। मैं उधर कब्रिस्तान खोल लिया। अच्छा। लेकिन कोई मुर्दा आता ही नहीं। अरे उस्ताद जी का दसवां सुर सुनने के बाद तुम्हारा कब्रिस्तान भर जाएगा। अबे झटकन जी, तुम क्या पुराने सुरों की बात कर रहे हो, ये दसवां सुर सिर्फ एक आदमी को झटका देने के लिए, वो भी सही है, मगर कब्रिस्तान भरने के लिए ग्यारहवां सुर निकालना पड़ेगा, वो भी सही बात। अबे रेनो देनो तुम्हारा सुर, सब लोग कुत्ता में ही मारेगा तो यमराज बेकार हो जाएगा, और अगर वो बेकार हो गया ने तो आके तुम्हारा कोई ले जाएगा। अरे जा जा, यमराज को अपने से टक्कर तो लेने दे, फिर देखना कौन किसको ले जाता है, झटके खाएगा। बहुत झटके खाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि उसे अभी ले जाएंगे। अबा चुप मरने चमचा, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ये तो मेरे लोग का म्यूजिक हॉल है कि मुर्दा खाना है। मुर्दा खाना झटकन जी, ये अपना म्यूजिक हिट नहीं होने देगी। आप ऐसे करो ना गुरु जी, इन्हीं को पहले झटका दे दो ना। ठीक है, तो दसवां लगाऊं? लगाइए। सब ठीक है? तुमने अपनी सब तैयारी कर ली? हाँ। अरे तूने माला भी नहीं बनाई, शेख भैया को न्योता देना है, मैं क्या करूँ, माला कौन बनाएगा? ला ललिता दीदी आ गई, देखो ना दीदी सारा काम अकेली जान पर आ पड़ा, तुम और
कमल दीदी तो हाथी नहीं बताती। मगर तुमने कहा है कब है? तो फिर माला बना दो ना, मैं जब तक शेखर भैया को नेवता दूं, काम में तो ध्यान ही नहीं रहा। लाजी शर्म का करे इस तरह सौदा, बेल बॉटम पहने लागी पैर। शेखर भैया माफ करना, नेवता देने में देर हो गई। कैसा नेवता? आज ही मेरी बेटी की शादी है, आपको भी आना होगा। नेवता देने में देर हो गई, भूल चुक तो माफ करनी पड़ेगी। शादी कब है? लगन का दिन आज ही निकला है। आज ही? हाँ, 3 महीने तक शुभ घड़ी का कोई मुहूर्त ही नहीं है। लड़का क्या करता है? मैं तो सोचती थी आप जैसा पढ़ा लिखा वकील मिल जाए, लेकिन क्या करूँ, गरीब हूँ ना, इसलिए बड़ी मुश्किल से ऑफिस का बाबू ढूंढ पाई हूँ। शादी कितने बजे? ठीक 8 बजे। ओ, ललिता क्या कर रही है? वो दूल्हे के लिए हार बना रही है। एक मेरे लिए भी भिजवा दे। अच्छा। दीदी, शेखर भैया ने माला मंगवाई है। माला? ले ये दे। मैं दिया, कितना काम पड़ा है, कहाँ कहाँ जाऊँ, लगन का टाइम हो रहा। दीदी तुम ही दिया हो ना। अच्छा। हाथ पर हाथ रख के कुछ काम नहीं चलने वाला, जरा जल्दी करो, बारात आने वाली है। गीता आप उधर का सामान देख ले। ए मुनि, ये क्या? ललिता, ये क्या किया तूने? क्यों, क्या किया है? जानती हो इसका मतलब क्या है? जाकर किसी से पूछो, आज की रात इस घड़ी हार पहनाने का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा ही हुआ। ललिता, ललिता मेरी बात सुनो, ललिता रुको, तुम्हें मेरी कसम। अरे रे, लगन का टाइम हो रहा, 8 बजने वाले, दूल्हा नहीं आया अभी तक। अरे देख देख, बारात आ गई। आइए आइए। बताओ क्या बात है? पहले अंदर आओ फिर बताता हूँ। नहीं, वहीं से बताओ, यहाँ सुनाई देता है। जानती हो तुमने अनजाने में क्या कर डाला है? हटो, फिर वही। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने ऐसा किया? कुछ नहीं किया मैंने, माला मुझे लौटा दो। ऐसे नहीं, जो काम तुम अधूरा छोड़ गई हो उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। देखो, ऐसे मजाक करोगे तो फिर कभी नहीं आऊंगी। मैं कहती हूँ लौटा दो मेरी माला। ले जाओ। वहीं से फेंक दो। बगैर पास है तो नहीं दूंगा। जाओ, फिर मुझे भी नहीं चाहिए। सुनो तो, सुनो। ललिता, ये क्या? तुमसे जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा हो गया है। मुझसे तो जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो जानते थे मैं अनाथ हूं, बेसहारा हूं, और इस घर के लायक भी नहीं हूं। शायद इसीलिए तुमने मेरा अपमान किया। नहीं ललिता, तुम मेरे इतने करीब थी, मैं तो समझ ही नहीं सका, लेकिन जब तुम्हारे दूर जाने का ख्याल आया तब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मैंने तो सोच समझकर किया है। कई दिनों से सोच रहा था
लेकिन तय नहीं कर सका। आज इस घड़ी में मैंने हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लिया है। लेकिन तुम्हारे पिताजी, माँ जी। पिताजी शायद नहीं माने, लेकिन माँ, जाओ माँ से आशीर्वाद ले आओ। अरे अरे ये क्या, मैं तो कल जा रही हूँ बस यूं ही। अच्छा, तेरे मामा तेरी शादी की बात तय कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर करे तुझे अच्छा पति मिले। अरे ये क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। पगली। दीदी जब गएगी तुम लोग सब लोग गाना। नहीं ललिता, तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मैंने तो सोच समझकर किया है। तुम मेरे इतने करीब थी, मैं तो समझ ही नहीं सका, लेकिन जब तुम्हारे दूर जाने का ख्याल आया तब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। कई दिनों से सोच रहा था लेकिन तय नहीं कर सका। आज इस घड़ी में मैंने हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लिया है। दुख में संग रहना, तेवर तेरा भाई
कल तो तुम जा रहे हो, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाओगी। ये लो चाबियां, किसी चीज की जरूरत हो तो ले लेना, संकोच मत करना। तुम मिल गए, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम चले जाओगे, तुम्हारे बिना ये सब सुना सुना लगेगा। कल सुबह की गाड़ी से जा रहे हो? ललिता, कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूं, जल्दी लौटाऊंगा। चकल, अबे दिखता क्या है? जल्दी जल्दी नोट करना, कुछ दिखाई दे तो नोट करो ना। बालक ने कन्या के घर में प्रवेश किया। कन्या लज्जाती, शर्माती, निकल आई। क्या कहा? रख लो। अबे बस बस, इतना ही काफी है। नवीन बाबू को ये सारी बातें नमक मिर्च लगाकर बताना होगा, समझ गया ना? क्या समझा? हे हाँ, पर कौन सी मिर्च? हाँ, लाल के काली? अबे दोनों। अरे भाई, कल जो अपनी आंखों से देखकर आए हो, जरा शेठ जी को तो बताओ। हाँ, क्यों नहीं सरकार? वो गुरुचरण की पड़ोसन, नाचने वाली की बेटी। आगे क्यों नहीं बोलते? उसके भाई ने मुस्कुराते हुए कन्या ललिता देवी के घर में प्रवेश किया, और कन्या ललिता देवी उस नव युवक को देख के लग जाती शर्माती। दिखे दाई, बोल बोल। सरकार जब उसके निकट आई, सरकार गुरुचरण, नमस्ते। अरे अरे, इधर नहीं, उधर बैठो। क्यों, यहाँ क्या? तुमने बराबर बैठने का अधिकार खो दिया है। वो कैसे? देखो गुरुचरण, हम सालों से एक दूसरे के पड़ोसी रहे, हुक्का पानी साथ रहा, लेकिन तुमने बिरादरी की नाक काट दी, हमारी इज्जत आबरू पर पानी फेर दिया। समझा नहीं, मैंने ऐसा क्या किया जो? बड़े भोले बनते हो। मेरा कर्जा उतारने के लिए तुमने अपने आप को एक नाचने वाली के भाई के हाथों बेच दिया। अरे ऐसे ही था तो मुझसे कहते, मैं मदद करता। आपसे क्या कहता, आपने तो 7 दिन का नोटिस दिया था मकान नीलाम करने का। साफ क्यों नहीं कहते गुरुचरण कि तुम ललिता की शादी नहीं, सौदा कर रहे हो? नवीन बाबू, अगर आपको ललिता का इतना ही ख्याल है तो क्या आप उसका रिश्ता अपने बेटे शेखर से करना पसंद करेंगे? क्या बकते हो? नहीं करेंगे ना। ये उसी नीच गिरीश का असर है जो तुम्हारे साथ चढ़कर बोल रहा है। नीच, जिसे आप नीच कहते हैं ना, वो आप जैसे उच्च कोटि के ब्राह्मण से कहीं ऊंचा है। इसके भी पर निकला है, देख लूंगा। अगर बिरादरी ने इसका हुक्का पानी बंद नहीं करवा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। सारा कर्ज अदा कर दिया, सूद भी दे दिया, बाई बाई तक चुका दी, फिर क्यों दबाया जा रहा है मुझे? गरीब हूं तो क्या हुआ, गुलाम तो नहीं जो उसके इशारों पर नाचूं? गिरीश, अगर उसने ऐसा सोचा तो ठीक है, ललिता की शादी तुम्हारे साथ क्यों ना कर, क्या बुराई है? मैं उसे ऐसा करके दिखाऊंगा। समझता क्या वो अपने आप को? आप आराम कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनिए। क्या? अरे तुम तो गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, पर लड़का अपनी जात का तो होना चाहिए। लानत है ऐसी जात पर जो मुसीबत में काम ना आ सके, पड़ोसी का दुख सुख ना समझे। इन सूदखोर बिरादरी वालों से तो गिरीश कहीं अच्छा है, इंसान तो है, दूसरे का दुख दर्द तो समझता है। मेरा नाम भी रमेश चंद्र है, एक एक को देख लूंगा, भला करो बुरा होता है। तुम घर घर मुझे देख रहे हो, दिमाग खींचो, काम शुरू करो। ए, तू चूहे की तरह भटकती भी यहाँ क्यों चली आई? मेरे मकान को अपने बाप की चौपाल समझ रखा है? चल बाहर यहाँ से, फिर कभी आई तो टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। पिताजी पिताजी, वो ताऊजी ना, ताऊजी दीवार खड़ी करवा रहे और छत से आने जाने का रास्ता ही बंद कर रहे। देखते क्या हो, ऊपर जाके समझा क्यों नहीं देते? दो घरों के बीच हमेशा के लिए दीवार खड़ी हो रही है। होने दो,
सुन ले गुरुचरण, आज से तुम्हारे और हमारे घर के सारे रिश्ते खत्म। अरे जल्दी करो जल्दी, ऐसा सीमेंट लगाओ कि जन्म जन्म तक ना उखड़े। हाँ हाँ, खड़ी करो दीवार, जब संबंधी टूट रहा है तो आना जाना कैसा। मामा जाने दो, मामा तुम लोग चुप रहो, जाओ अंदर। पिताजी आओ आओ। अविनाश देखा, इस बूढ़े गुरुचरण के भी जबान निकल आई। अरे कंबख्त, धीमे धीमे हाथ क्या चलाते हो, लगवा मार गया क्या हाथों को। गर्मी को भी आज ही पढ़ना था कंबख्त। अरे पलटू छाता ला जल्दी से। पता नहीं, मैं परमिशन लेके आया हूँ, दीवार बेशक इतनी खड़ी कर दो। एक एक को देख लूंगा, तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर। तालाब में नहीं, सागर में। बर्दाश्त की भी हद होती, मैं आप चुप नहीं रहूंगा। देखा, पैसा क्या चुका दिया, दिमाग ही खराब हो गया। खबरदार, जो मेरे साथ में जबान चलाई तो जबान को लगाम दो। अरे लगाम तो मैं खींचूंगा तेरी, तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। खबरदार जो मेरे करीब आया तो। हाँ अरे तुम्हारे करीब आता ही कौन है, मैं तो पहले ही जलील कमीने पड़ोस में रह के पछता रहा हूँ। जलील तू, कमीना तू, गुरुचरण तूने अभी तक जमीन चंद की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। इस शहर में तेरा सांस लेना भारी पड़ जाएगा। जहाँ तेरे जैसा नाग रहता हो वहाँ सांस लेके मरना है क्या? अरे तो मर क्यों नहीं जाता, बेशरम बनकर जिंदा है तू। नीच, नीच तू और तेरे इरादे। तूने मुझे नीच कहा, पहले दलील और कमीना भी कहा था हुजूर। आप जरा मेरे साथ आइए, मैं आता हूँ, ख्याल रखो। चलिए चलिए। यस डॉक्टर साहब, फर्स्ट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माँ को टेलीग्राम भेजना होगा। नहीं नहीं, उससे परेशानी बढ़ जाएगी। आप ऐसा कीजिए, चिट्ठी भेज दीजिए। ब्रीदिंग तो ठीक है और पल्स रेट भी नॉर्मल है, मेरे ख्याल में मेंटल टेंशन की वजह से उसको ब्रेकडाउन हुआ होगा। घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, इन्हें कुछ रोज के लिए बाहर ले जाएं? कोर्स ऑफ कोर्स, चेंज ऑफ क्लाइमेट इज अ मस्ट, ठीक भी रहेगा। अच्छा मैं चलता हूँ, आप डिस्पेंसरी में आकर। मैं भी आया। ओके मामा जी, ठीक है ना? ठीक ही कहते हो बेटा, अब मुझे भी इस घर में घुटन सी महसूस होने लगी, चले जाना ही अच्छा है। शेखर भैया को भिजवा देगी ना? बाबा ना, वो ताऊजी ना, ताऊजी मेरी टांग तोड़ देंगे। अरे सुन तो, अरे हाँ, करवा चौथ आने वाला है, तू अपनी गुड़िया को साड़ी नहीं भिजवाएगी? भिजवा तो देती, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? देख, तू अगर ये मेरी चिट्ठी भिजवा देगी ना,
तो मैं तेरी गुड़िया के लिए साड़ी दूंगी। लाओगी ना? हाँ चल। क्या कहूँ मैं? दीदी ने कहा है इस पर शेखर भैया का पता लिखा कर उन्हें भिजवा देना। बहू किससे बातें कर रही है? कौन था? मुन्नी ये चिट्ठी लेकर आई थी। ललिता ने इस पे देवर जी का पता लिखवा कर भिजवाने के लिए कहा है। लाओ मुझे दो। तुम जाओ पहले दूध ले आओ। कल दूध में पानी कितना मिला दिया था? पता नहीं कहाँ का पानी मिला देते हो। राम राम मलकिन, ई कहा कहा था? पानी मा दूध, हम तो कभी ऐसा किया नहीं मलकिन। वो तो गौ माता जौन दिन ज्यादा पानी पी लेत है, पानी ज्यादा हो जात है। बस बस, माँ भैया का खत आया है, पिताजी की तबीयत खराब है। क्या लिखा है? दो तीन दिन से तबीयत ज्यादा खराब है। तो क्या तार भी नहीं कर सकते थे? शायद चिंता की कोई बात नहीं हो इसलिए तार नहीं भेजा। मेरा तो यहाँ आने का मन ही नहीं था। तू जा टिकट ले आ, आज ही यहाँ से चलते हैं। मैं कह रही थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। तू जरूर कुछ छुपा रही, बोल ना क्या कह रही थी। मैं कह रही थी हमारा जाना कुछ दिनों के लिए रुक नहीं सकता। मैं जानता हूँ तू इस घर से दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन ये ऊंच नीच की दीवारें, बिरादरी के बंधन, इनसे जितनी जल्दी दूर चले जाएं उतना ही अच्छा। मामा जी कल शाम की गाड़ी के टिकट्स मिल गए हैं। दीदी ये इसमें नहीं आएगा। आ जाएगा। दीदी ये इसमें रख दे। ये नहीं रखना है। अच्छा तो मैं सामान लाती हूँ। सामान बंद्रा। हाँ मामा। हाँ भाई जाना तो है ही अब। अरे मैं सामान बांधू या ये बच्चे को संभालू? ललिता तूने वो सामान बांध दिया, सब रख दिया। ले ये भी संभाल ले, मैं तब तक बेबी को सुला देती हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारे पिताजी की? ठीक है, अभी अभी सोए हैं। पिताजी और गुरुचरण चाचा के बीच काफी झगड़ा हुआ। पिताजी ने गुस्से में आकर ये दीवार खड़ी करवा दी। अब वो लोग गिरीश बाबू के साथ घर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? सुना है ललिता की शादी उनसे ही हो रही है। दीदी दीदी ताई और शेखर भैया आ गए। क्या सच? हाँ। तू वहां से कपड़े ले आ, मैं अभी आई। दीदी इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूं? ले तो मैं भी आती हूँ। गुरचरण भाई तुम इस बेसुरे गिरीश के झांसे में आकर सेहत के लिए गोवा जा रहे हो, जबकि मेरे सुरीले सुरों की दवा पाने के लिए लोग गोवा से यहाँ आते हैं। सुरीले सुरों की दवा? ये क्या कह रहे हैं ज्ञान जी? ज्ञान जी ध्यान जी, गुरचरण भाई इंसान के सुर जब ढीले हो जाते हैं तो सेहत भी ढीली हो जाती है। सुर कस दो तो सेहत कस जाती है।
अजी मैंने बड़े बड़े बेसुरे तबलों के सुर कर दिए तो तुम्हारे नहीं कर सकूंगा क्या? ये तबले को इंसान से खूब मिलाया आपने। अजी इंसान तबला ही तो है, बजना बंद हुआ कि छुट्टी। ये तो ठीक है। अजी तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा तबला तो खूब बज रहा है। अरे सुमन चाय की पत्ती और शक्कर तो रहा, ये पानी खोल गया। माँ चाय की पत्ती और शक्कर सामान के साथ बांध दिया है, अब पूरा खोलना पड़ेगा। सारा दिन चाय चाय, जब देखो तब चाय। आप भी अजीब है, सारा सामान बांध लिया अब कहते हैं चाय बनाओ। यही तो सुर ढीले होने की निशानी है। अब चाय कैसे बनाओ, न बाहर शक्कर है न चाय की पत्ती। अच्छा अच्छा मैं ले जाता हूँ। क्या लड़का है अजी, काय का लड़का, जब आया था तो कुछ भी नहीं था, मैंने सुर कसे तो लड़का बना। हो आप, हम लोग आज शाम की गाड़ी से जा रहे हैं। हम लोग? अच्छा अच्छा तो आप लोग जा रहे हैं। अच्छा, और जाने से पहले आपसे मुलाकात होगी? मेरे ख्याल से अब लौटना तो ना हो सकेगा। क्यों, लौटेंगे क्यों नहीं? जिस काम के लिए आए थे वो मकसद तो पूरा हो गया, अब लौटने की जरूरत भी क्या है। ये भी ठीक ही कहा तुमने। अरे शेखर, मेरे आते ही आप सब चुप क्यों हो गए? कहीं मैंने आपकी खुशी में डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं भाई, अपनों से कोई डिस्टर्ब होता है? आओ बैठो बैठो। अब ये देखो, ये लड़का सुर में है क्योंकि बाप ने बचपन में सुर में कस दिया था, लाखों रुपए हैं मगर खुद कमाता है। हाँ भाई ये तो है। कहो कैसे आना हुआ? जी सुना आप लोग बाहर जा रहे हैं, सोचा मिलता चलो। अरे भाई गिरीश गोवा ले जा रहा है, अब रिटायर हो चुका हूँ और अब तो फिर यहाँ भी सब पराया पराया सा ही लगता है। कब आए? आज ही। सुनो अभी चाय नहीं आई अभी तक। गुरचरण, जहाँ सारी उम्र सिर्फ एक ही बीवी रहेगी वहाँ तो चाय लेट आएगी। हमारी तरफ देखो, जरा चाय लेट आई की बीवी चे। जो खुद यहाँ से रोते गए उनके गाने हम गाएंगे। तो फिर चाय का शौक छोड़ दो। छोड़ देंगे भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, किसी खुशी के मौके पर बुलाना भूलिए मत। ये भी कोई कहने की बात है? सुनो माँ कैसी है? ठीक है। तुमसे मिलने का तो रास्ता ही बंद हो गया है। इसमें मेरा क्या दोष है? मामा और सब लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसे में मैं क्या करूं? मैं कौन होता हूं बताने वाला? जो ले जा रहा है उससे पूछो। दीदी खींचो ना, क्या सोच रही हो? दीदी ये घी का डब्बा और ये बोतल कहाँ रखते? टोकरी में रखते। अच्छा मम्मी चल मेरे साथ। सुमन मैं भी। अच्छा कहाँ दीदी? सब याद है ना? हाँ शेखर भैया माफ करना, अनजाने में कुछ भूल गई। चल शेखर भैया, शेखर भैया हम लोग जा रहे हैं, अनजाने में कुछ भूल चुकी तो नादान समझ कर माफ कर देना। इतने दिन तक आपके पास रहे, जाने को तो जी नहीं करता। चिट्ठी लिखना भूलना मत। चिट्ठी तो डालूंगा पर जवाब भी दोगी? दीदी से लिखवा लूंगी। मुन्नी तू जा। अच्छा। मैं भी आई। तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। लेकिन मैंने तो भेजी थी। क्या लिखा था? बहुत कुछ, तुम्हें तो यहाँ के सब मालूम हो गया होगा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा से क्या होगा? क्यों और नहीं तो क्या, मैं किसे आज्ञा दूंगा? मुझे और किसे आज्ञा दोगे? और दू भी तो तुम क्यों सुनने लगी? कैसी बातें करते हो, मेरा तो मन घबरा रहा है, रात को नींद भी नहीं आती, डरती हूँ। डर किस बात का? तुम पास नहीं थे और माझी भी नहीं थी, तुम्हारे बाद मामा न जाने क्या फैसला कर बैठे। तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ।
अब तो ऐसा लगता है शायद माँ जी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। इसका कारण तुम्हारे मामा है, उन्होंने गिरीश बाबू से पैसे लेकर। वो पैसे मैं लौटा दूंगी। इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे कहाँ से? जहाँ से हर पत्नी को मिलते हैं। अब क्या हो सकता है, तुम्हारे मामा ने तुम्हें गिरीश बाबू के हाथों बेच जो दिया है। नहीं ये झूठ है, तुम मेरे मामा को नहीं जानते, उन जैसे आदमी इस संसार में है ही नहीं। उनके दुख से भले ही तुम वाकिफ ना हो पर मैं जानती हूँ, और फिर वो पैसे उन्होंने हमारी शादी से पहले लिए थे। मुझे बेचने का अधिकार उन्हें नहीं है, ना ही उन्होंने मुझे बेचा है। ये अधिकार है तो सिर्फ तुम्हें है। तुम चाहो तो पैसे देने के डर से मुझे बेच सकते हो। यही सोच रही हो ना, कहाँ थी और कहाँ चली आई? आना जाना ही तो जिंदगी है। लगता है जगह आपको अच्छी नहीं लगी। जी ऐसी तो कोई बात नहीं, ये जगह तो बहुत अच्छी है। फिर आपके चेहरे पे उदासी कैसी? क्या मुझसे कोई भूल? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो हमारे लिए, मामा के लिए इतना कुछ किया है, आप तो बहुत अच्छे हैं। जाने दीजिए, इतना अच्छा तो नहीं हूँ जितनी की आप। बदतमीज़, सामान रखना भी नहीं आता। चाबी कहाँ है? चाबी यहीं कहीं होगी सर। यहीं कहीं होगी। मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना आइंदा। जो चीज वहां जा रहा है वही रखना। ये नहीं सर। इडियट। बांध
धीरे काहे प्री पिया के संग अनजाने में धीरे काहे प्री पिया के संग अनजाने में बाली उम्र में मैं ना समझी बाली उम्र में मैं ना समझी क्या है प्रीत की धीरे काहे प्री प्री पिया के संग अनजाने में कैसी है? ठीक है, पहले से तो अच्छी ही है। बड़े अफसोस की खबर आई है। हाँ? दीदी की चिट्ठी से पता चला है कि नवीन बाबू का देहांत हो गया। क्या? किसका देहांत हो गया? नवीन बाबू का, मुझे छोड़ के चला गया। जानती हो सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ। ना मैं उससे झगड़ता, नहीं ऐसा होता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मरना जीना किसी के हाथ में है क्या? तुम नहीं समझोगी, बरसों के साथ ही जरा सी बात पे उलझ गया। ये मैंने किया कि मामा, मामा क्या हुआ? मामा क्या हुआ? गिरीश बेटा, इन्हें क्या हो गया? डॉक्टर
देखिए इनको गहरा सदमा पहुंचा है। कोई सीरियस बात तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते, जब तक इनको होश नहीं आ जाए ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। और एक चीज है, इनको अकेला मत छोड़िएगा। अच्छी बात है। और आप चलिए मेरे साथ। तो आराम कर, मैं बैठती हूँ। किससे बात कर रहे हैं आप? नयन बाब। किससे बात कर रहे हैं आप? नयन गिरी। किससे बात कर रहे थे आप? गिरी। गिरीश। गिरी। गिरीश बेटा क्या हुआ? गिरी। क्या हुआ? गिरी। क्या हुआ? गिरी। हाँ मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। ख्याल हाँ, मैं ख्याल रखूंगा, मैं ख्याल रखूंगा। ललिता को बुलाओ। ललिता से शादी वचन हाँ, मैं वचन देता हूँ, वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ। ललिता आ गई, ललिता आ गई। आप कुछ कह रहे थे ना? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ललिता आ गई, ललिता आ गई है मामा, ललिता आ गई मामा, मैं आ गई मामा, मामा देखो मैं आ गई। बहू ये अपनी अलमारी में रख दे। माँ गोवा से चिट्ठी आई है। क्या लिखा है इसमें? बहुत बुरी खबर है, गुरुचरण चाचा जी का देहांत हो गया। क्या? हाँ पिताजी के मौत का उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा। लड़की वाले बार बार कह रहे हैं, तेरे पिताजी उन्हें हाँ कह गए थे, कब से रुके हुए हैं? मैंने रुकने के लिए कब कहा माँ, बात को टाले जाओ तो अच्छा है। कब तक टालते रहेंगे? ठीक है हाँ, ये तो तुझे बताना ही भूल गई, गोवा से शादी की चिट्ठी आई है। किसकी शादी? गिरीश और ललिता की। अच्छी है साड़ी। अरे ये बॉर्डर कितना अच्छा है। ललिता दीदी पहनेंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। गिरीश बाबू भी तो अच्छे हैं, गाड़ी बंगला पैसा क्या नहीं है उनके पास। अरे कहाँ है ललिता, वो भी तो देख लेती। देख ललिता, ये शादी का जोड़ा तुझे पसंद है ना? मामी। हाँ बेटी। क्या ये? हाँ ये शादी रुक नहीं सकती क्या? हाँ मामी ये शादी रोक दो। ललिता कार्ड बन चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुझे याद है तेरे मामा ने गिरीश से वचन लिया था, तुझे कितना चाहते थे ललिता, आज वो होते तो तू शायद ऐसा ना कहते, तेरे मामा की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करेगी। मामी मामा की आखिरी इच्छा। Thank you.
आपसे एक बात कहनी है। कहो ललिता। बात यह है कि मैं बहुत परेशान हूँ और आप ही मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हैं। कैसी परेशानी? गिरीश बाबू, अगर किसी लड़की की शादी एक बार हो जाए तो क्या वो दोबारा शादी कर सकती है? मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? किसे? वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन गिरीश बाबू आप ही कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि मैं आपके मामा को वचन दे चुका हूँ। अब क्या हो सकता है? बंधन ये वरमाला तुझको ये समझाए, गोरी तुझको ये समझाए, फूल सनाजुक है ये नाता टूटे जुड़ ना पाए, देखो टूटे जुड़ ना पाए। तुम शादी के लिए कह रही थी ना, लड़की वालों से कह दो मैं तैयार हूँ। गिरीश बेटा जी, शेखर की शादी की चिट्ठी आई है। ओह, तब तो जाना ही चाहिए। देखो ना, मुन्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मैं न जा सकूंगी। ऐसा करो, तुम ललिता और सुमन को लेकर चले जाओ। जी। सुनो बेटा, जब ललिता के मामा ही नहीं रहे तो मैं वहां जाकर क्या करूंगी? नवीन बाबू हमारा मकान खरीदना चाहते थे, तुम अविनाश से बात कर लेना। अच्छा, मैं जाने का इंतजाम करता हूँ। शादी में आई हो? मैं तो नहीं चाहता था कि तुम, शायद मां ने बुलाया होगा। पति तो पैसे वाला मिला है तुम्हें, फिर ऐसी हालत क्यों? पति जिस हाल में भी रखे रहना पड़ता है। बड़ी भोली बनती हो, क्योंकि नहीं कहती कि इन कपड़ों में मेरे आगे अपना दोष छुपाना चाहती हो? सिर्फ अपने ही कहोगे, मेरी एक भी नहीं सुनोगे? अब सुनने के लिए रही क्या गया है, सब कुछ तो खत्म हो गया। मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। कब आए आप लोग? अभी अभी आए। नमस्ते। आप कहीं, मैंने इस खुशी के मौके पर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहिए क्या काम है? क्या अकेले में बात नहीं हो सकती? यहाँ कोई गैर नहीं, आप जो कुछ कहना चाहते हैं इनके सामने कह सकते हैं। सास जी अपने मकान बेचना चाहती हैं, उनकी इच्छा है ये मकान आप रहते तो ठीक होता। ओ,
समझा, तो उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। लेकिन पिताजी के बाद मकान जायदाद का काम भाई साहब ही देखते हैं। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन बहन जी ने इस बारे में आपसे मिलने को कहा है। बहन जी? कौन बहन जी? ललिता बहन। क्या आपकी शादी ललिता से नहीं हुई? ओ, आप चलिए जरा एक मिनट प्लीज। हाँ तो बैठिए ना गिरीश बाबू। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? मेरी शादी सुमन से हुई है। लेकिन आप तो ललिता को चाहते थे ना? प्रेम कितना भी गहरा क्यों ना हो, कोई जानबूझकर परिणीता से विवाह तो नहीं कर सकता। परिणीता से? शादी के कुछ दिन पहले ललिता बहन ने मुझे बता दिया था कि उनकी शादी हो चुकी है। उसने अपने पति का नाम तो बताया होगा? बताया तो नहीं, लेकिन आपके चौंकने से मेरा शक तो हो गया। गिरीश बाबू, मैं हमेशा आपको गलत समझता रहा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। यह कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं अभी आया। माँ, ये शादी नहीं हो सकती। माँ, शुभ घड़ी में ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी सबको समझा देता हूँ। सुनील जी, आपने ललिता को देखा? हाँ जी, अभी अभी तो बाहर गई वो। ललिता, 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 सुमन, ललिता को देखा? नहीं तो, यहाँ तो नहीं है। क्यों? कुछ नहीं। ललिता, ललिता, तुम्हारी खामोशी की वजह से आज मुझसे इतनी बड़ी भूल हो जाती कि मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। तुम चुपचाप सब कुछ सहती रही और मैं तुम्हें समझ ना सका। आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? चलो माँ, माँ ये रही तुम्हारी बहू ललिता। बहू? लेकिन ये सब कब हुआ? पिछले साल इन्हीं दिनों में हमने
वरमाला बदल ली थी। मेरी वजह से इसे बहुत दुख सहना पड़ा माँ। तूने मुझे बताया तक नहीं? हाँ माँ, इसके मन में तो संकोच था ही, और मैं भी बता ना सका। इसे आशीर्वाद नहीं दोगी माँ? अरे मेरा आशीर्वाद तो इसके साथ हमेशा से है। ये मेरी बहू ही नहीं बेटी भी है। तू ठहर, मैं भी आई। अविनाश, प्यारे प्यारे घूंघट में गोरे गोरे गा, प्यारे प्यारे घूंघट में गोरे गोरे गा।